बिहार में प्रदर्शन के दौरान सरकार की तरफ से लाठी चलाई जा रही है, कहीं गोली चलाई जा रही है, मामला बीजेपी उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार प्रदर्शन को दबाने के लिए जिस तरह से हथकंडों का उपयोग कर रही है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं। इन विषय पर हम बात करेंगे क्योंकि कल कटिहार में जो गोली कांड हुई और उसमें 3 लोग जो घायल हुए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, इस विषय पर एक बड़ी घटना कल बिहार में हो गई। उसके पहले भी जो पुलिस के द्वारा जो विरोध के दौरान जो लाठीचार्ज हुई, देखिए महागठबंधन की सरकार लगातार, चाहे बिहार के युवा नौकरी मांग रहे हों, जो रसोईया है वो अपना मानदेय बढ़ाने की बात करी हो, चाहे शिक्षकों का प्रदर्शन हो, सभी पर लाठियां बरसाना, गोलियां चलाना आम बात हो गई है। आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की बातों को जब बिहार विधानमंडल के अंदर नहीं सुना गया तो हम सबों ने गांधी मैदान से बिहार विधानसभा तक मार्च का आयोजन किया और किस प्रकार से शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियां चलाई गई और लाठियां चलाने के जो कुछ कायदे हैं उन कायदों को ताक पर रख दिया गया, सीधे सिर पर लाठियां चलाई गई, कई हमारे कार्यकर्ता घायल हुए का निधन हुआ और सारी परिस्थितियां मीडिया और देश के सामने में है। कटिहार जिला के बारसोई अनुमंडल मुख्यालय में भी कल प्रदर्शन हुआ और आप देख ही रहे हैं कि केंद्र की सरकार किस प्रकार से विद्युतीकरण के क्षेत्र में सभी राज्यों को बिहार सहित सहयोग किया, इसलिए हम आम घरों तक, आम लोगों तक विद्युत आपूर्ति एवं विद्युतीकरण करने में सफल हुए। लेकिन अब बिहार की सरकार इस प्रचंड गर्मी के समय में भी विद्युत आपूर्ति करने में असमर्थ है, जबकि केंद्र की ओर से हर प्रकार का सहयोग सरकार को मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से कल सीधे सिर पर गोलियां मारी गई यह इस बात को दर्शाता है कि जो राज्य की सरकार है, जो सिर्फ लाठी और गोलियां ही चलाना जानती है, नौकरी देना नहीं जानती, समस्याओं का समाधान नहीं जानती, राज्य को अपराध से कैसे मुक्त किया जाए यह नहीं जानती, तो सिर्फ 2 चीज़ें जो जानती है उसका कल बारसोई में भी लोगों पर प्रयोग किया गया। लाठी चार्ज से भी भीड़ को खदेड़ा जा सकता था या उनकी बातों को सुन के इस तरह के प्रदर्शन को तरीके से समाप्त किया जा सकता था, लेकिन जिस प्रकार से कल सीधे सिर पर गोलियां मारी गई यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों को मारा गया। सवाल ये होता है, आप पहले भी सवाल उठा चुके हैं आप लोग कि जिस तरह से प्रदर्शन पटना में हुआ था वहाँ भी सांसद के सर पर लाठी चलाई जाती है, पुलिस मैनुअल के अनुसार जो भीड़ को तितर बितर करना होता है, हवाई फायरिंग। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिहार की सरकार जो उनके खिलाफ या उनकी नीतियों के खिलाफ या उनके निकम्मेपन के खिलाफ या उनके दिशाहीन जो राज्य चल रहा है उसके खिलाफ किसी प्रकार का इस लोकतंत्र में आयोजन करती है, और आपको पता है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, लोकतांत्रिक तरीके से अलग अलग जो कर्मी हैं, जो राज्य के लोग हैं अपनी बातों को कहते हैं, तो सरकार उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का सारा ध्यान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सारे 2 जो ध्रुव बन गए हैं राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दलों का या क्षेत्रीय दलों का, इसी में उलझी हुई है। और मुख्यमंत्री जो किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अगुआ होता है वो कहीं न कहीं पूरे दबाव में है, उनकी एक नहीं चल रही है, राष्ट्रीय जनता दल जिस प्रकार से उन्हें ऑपरेट करती है वो उसी दिशा में चल रहे हैं, तो जब ऑपरेटर राष्ट्रीय जनता दल हो और जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री हों और इतने दबाव में सरकार या माननीय मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, तो बिहार की जो स्थिति है
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सर वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, स्थितियाँ सर जो बिजली की समस्या बताई जा रही थी, तार जर्जर के हालात है, आबादी बढ़ गई है मगर तार जो है जिस तरह से वो इसी स्थिति में जर्जर, लोड शेडिंग की समस्या, ये तमाम समस्या नहीं नहीं निश्चित तौर पर लगातार कई पूरे जिले से फोन आते रहते हैं, कहीं विद्युत आपूर्ति ठप है, कहीं 11,000 केवी का तार टूट कर गिरता है। हमारे क्षेत्र में टपका गांव में तार लटका हुआ था, एक व्यक्ति उससे झुलस गया और जब लोगों ने आवाज़ उठाई तो उस पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। तार बदला नहीं गया लेकिन प्राथमिकी दर्ज हो गई है। मेरे कटिहार विधानसभा क्षेत्र में कटिहार पंचायत के टपका गांव की ये घटना है। क्या है जी? हाँ निश्चित तौर पर केंद्र के इतने सहयोग के बावजूद भी बिजली की समस्या है। जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्हें विद्युत आपूर्ति कैसे रेगुलेट हो ये इनकी चिंता नहीं है। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत की सरकार के बारे में लगातार उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है लेकिन विद्युत आपूर्ति कैसे सुनिश्चित होगी, ना वो दौरा करते हैं, ना निरीक्षण करते हैं, ना समीक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार पर जरूर उनकी समीक्षा होती है, अपने विभाग पर समीक्षा उनकी नहीं होती है लेकिन भारत सरकार पर। विषय को बीजेपी किस तरह से उठाएगी क्योंकि तीन लोगों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सजग प्रतिपक्ष है बिहार में और हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को बदला है और 2005 से हम सब बिहार को भी बदलने का काम किया है। लेकिन जब साथी गलत मिल जाएंगे तो स्वाभाविक है कि इस तरह की परिस्थितियां राज्य में उत्पन्न होगी और भारतीय जनता पार्टी इन सारे मुद्दों को लेकर हम एक सशक्त विपक्ष के तौर पर इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम जनता की आवाज़ हैं, रहेंगे, जनता की आवाज़ बनते भी हैं और आगे भी जनता की आवाज़ बनेंगे जिससे कि बिहार के लोग अपराध मुक्त हो सके, बिहार के लोगों के सिर पर लाठियां नहीं बरसे, बिहार के नौजवानों के सिर पर सीधे गोली मारी जाती है। अंग्रेज के कालखंड में भी इस प्रकार की घटनाएं मुझे लगता है कि कम होती होगी, सीधे सिर पर गोली मारी जाती थी, तो वो वही स्थिति आज बिहार में हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी थे जिन्होंने कटिहार के घटना और पुलिस के द्वारा जो कहा जाता है कि दमनकारी नीति के तहत जो कार्रवाई की जा रही है उस पर सवाल उठाया और कहा कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही है बीजेपी उन तमाम विषयों को लेकर जो है सड़क से लेकर सदन तक सरकार को तो घेरने का काम करी और जनता के लिए जो भी काम होने हैं या इस विषय को लेकर जिस तरह से सरकार को घेरना है उन विषयों में कहीं से भी वो पीछे नहीं दिखेगी। इसे मैं कैमरा श्याम के साथ गौतम गौंड का शीश न्यूज पटना।